तो भाजपा की महाविजय की गर्जना ने विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए। सपा और बसपा को सबसे बड़ा झटका लगा है, वहीं कांग्रेस को सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब विरोधी दलों के तमाम नेता एक एक कर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनकी कोशिश कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने की है। तो वही भाजपा का दावा है कि जीत आम जनता के भरोसे की है, जिन्होंने डबल इंजन की सरकार पर अपनी मुहर लगाई है। भाजपा ने सुनाई महाविजय की महागर्जना। भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला। लखनऊ से दिल्ली तक मना जश्न। हम हर गरीब तक पहुंचेंगे, 100% लाभार्थियों तक पहुंचेंगे। योगी फिर से आ गए और छा गए। इतिहास के अध्याय में यूपी के चुनावी नतीजों का अब जब भी जिक्र होगा, ये तस्वीरें हमेशा याद की जाएंगी। भगवाधारी जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। अब हर तरफ विजय का जश्न मन रहा है। होली से पहले होली मनाई जा रही है। अवध से पूर्वांचल तक और पश्चिम से बुंदेलखंड तक महाविजय के बुलडोजर पर सवार भाजपा के कार्यकर्ता झूम रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं का जोश सातवें आसमान पर है। दावा है कि ये जीत मोदी और योगी पर आम लोगों के भरोसे के दम पर मिली है। तो पार्टी के नेता अपनी रणनीति का अब खुलकर खुलासा कर रहे हैं। करहल से अखिलेश यादव को चुनौती देने वाले एसपी सिंह बघेल को सुनिए। कि कातिल बहुत जलील हुआ, मेरा सर उतार कर हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। गुंडागर्दी के आगे सब चीजें बोनी हो गई, क्यों उनके लोगों ने 12 हमने मैंने निजी तौर पर हर जगह केवल 12 से 17 की सरकार को स्मरण करने की लोगों को याद दिए। आप लोग कहते हैं याददाश्त खराब है, इतनी याददाश्त खराब नहीं होती है। नशे में भी याददाश्त खराब नहीं होती है। जब आदमी बहुत शराब पिए होता है तब भी अपनी पत्नी और अपनी बहन का अंतर महसूस करता है, ठीक है ना। तो मैं नहीं मानता कि याददाश्त खराब, कोई दो कारणों से कभी सरकार नहीं बनती है, वरना उन दो चीज़ों को पर सरकार ध्यान दे ले। केंद्र सरकार की 50 से ज़्यादा लोक कल्याणकारी योजनाएँ, जैसे किसी ने इस बार भाषण में ये नहीं कहा कि नल के द्वारा जल मिलेगा। जीत के बाद सहयोगी दल के नेता सीएम योगी से मिल रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने एबीपी गंगा से बातचीत की। अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने इस बार 12 सीटें जीती हैं। ये चौथा चुनाव था जिसमें अपना दल एस ने भाजपा से गठबंधन कर विरोधियों से दो दो हाथ किए। अनुप्रिया पटेल का दावा है कि गरीबों के कल्याण की योजनाओं ने भाजपा गठबंधन को जीत के शिखर तक पहुंचाया। दावा ये भी है कि सरकार की योजनाओं की वजह से महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिला। उत्तर प्रदेश की महिला वोटर्स ने बहुत बड़ा झुकाव दिखाया है और जो हमारी तमाम योजनाएं रही जिनसे महिलाएं लाभान्वित हुई, चाहे शौचालय का निर्माण हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सशक्तिकरण हो, या आवास का जो स्वामित्व है महिलाओं के नाम पर हो, या गैस का सिलेंडर हो, तो एक महिला वोटर भी एस्पिरेशनल है, अपना हक अधिकार समझती है और सरकारों की कार्यशैली को भी नोटिस करती है कि उसके जीवन में कोई बदलाव लाने के लिए सरकार चिंतित है या नहीं। कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम जो दिन रात ग्राउंड पर जमीन पर बने रहते हैं, आम जनमानस से हमारा कनेक्ट कभी ख़त्म नहीं हुआ, आम जनता के बीच में संवाद निरंतर हमने बनाए रखा, हम निरंतर सक्रिय रहे
और जनता ने हमें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तो मुझे लगता है कि अपने सपोर्टर से, अपने समर्थक से जुड़ाव बनाकर रखना, ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ी आपकी ताकत होती है। शुरुआत 2014 के लोकसभा चुनाव से हुई थी, फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और अब 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर अपना दल एस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। एक तरफ अखिलेश यादव का आक्रामक प्रचार अभियान था तो दूसरी तरफ सीएम योगी की अगुवाई में भाजपा का धुआंधार प्रचार अभियान। चुनावी रेस जबरदस्त थी। दोनों ही गठबंधन की सभाओं में समर्थकों का जोश देखते ही बनता था, लेकिन भाजपा इस रेस में सपा से फिर काफी आगे निकल गई। भाजपा की सांसद रीता बहुगुणा जोशी की माने तो लोग सुकून के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं और इस चुनाव में विकास और सुशासन बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। 2014, 17, 19 और 22 लोगों ने एक स्टैंप लगा दिया है, मुहर लगा दी है कि अब सुशासन और जनकल्याणकारी कार्यों के आधार पर ही वोट पड़ेगा। फिर सांस्कृतिक जागरण के साथ साथ आधुनिकीकरण, विनिवेश लाना, बिजली 24 घंटे की शहरों में होना, गांव में 18 घंटे होना, सड़कों का जबरदस्त जाल फैल जाना, तो जब हमको अच्छे काम दिख रहे हैं तो नेगेटिव वोट क्यों डालेंगे। भाजपा की इस महाविजय का एक बड़ा पहलू सुरक्षित सीटों पर पार्टी और गठबंधन की बड़ी जीत भी है। प्रदेश में एससी एसटी की 86 सुरक्षित सीटें हैं, इनमें से भाजपा गठबंधन ने 65 सीटें जीत ली तो सपा गठबंधन के खाते में सिर्फ 20 सीटें आईं। पिछले कई चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि जिसने भी सुरक्षित सीटों पर सबसे बड़ी जीत दर्ज की उसकी सरकार बनने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ गईं। इस बार भी वही हुआ। 2017 में भाजपा गठबंधन ने 86 सुरक्षित सीटों में से 76 सीटें जीती थीं और इसी दम पर उसने महाविजय हासिल की थी। इस नतीजे से ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि इस बार यूपी में जातीय समीकरणों की गोलबंदी पूरी तरह ध्वस्त हो गई और ये भाजपा की सबसे बड़ी रणनीतिक सफलताओं में से एक है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए भारतीय जनता पार्टी के